देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। संस्था खेड़ापति के संचालक गौरव निगोस्कर द्वारा क्षेत्र के युवाओं को धर्म के साथ जोड़ने के संकल्प के साथ वार्ड क्रमांक 82 के पार्षद नितिन शानु शर्मा का जन्मदिन धर्म कर्म के कार्य के साथ मनाया गया। यह एक अनूठी पहल है जिसमें राजनेताओं का जन्मदिन धर्म संस्कृति के साथ मनाया जा रहा है। संस्था खेड़ापति सरकार युवाओं के हित उद्देश्य में कार्य करने वाली संस्था है। संस्था का मंदिर खेड़ापति सरकार कैट कॉलोनी मेन रोड पर स्थित है, जहां पर संस्था के सदस्य प्रति मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। संस्था के मुख्य उद्देश्यों में धर्म के साथ क्षेत्र के युवाओं को जोड़कर जनहित के कार्य करने के लिए सम्मिलित किया जा रहा है। इस अवसर पर मंगलवार को रणजीत हनुमान भक्त मंडली द्वारा सुदामा नगर में सुंदरकांड का भव्य और भक्तिमय पाठ आयोजित किया गया है, जिसमें सुदामा नगर के गणमान्य जन एवं अन्य भक्तजन उपस्थित हुए और आनंद उल्लास के साथ बाबा का पाठ और हनुमान चालीसा का वाचन किया गया। जनता के हित कार्यों के लिए वार्ड के पार्षद नितिन शानु शर्मा द्वारा संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्य को जनहित धर्महित रूप बताते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी गई। सुंदरकांड के सफल आयोजन और उपस्थित जनता का आभार व्यक्त करते हुए संस्था खेड़ापति सरकार के संचालक गौरव निगोस्कर ने अन्य धर्म कार्य को भी आगे संचालित करने के लिए एक सार्थक संकल्प लिया। कर्म सब करते हैं, पर धर्म करने का सौभाग्य ईश्वर तय करता है। इस बात को सिद्ध करते हुए खेड़ापति सरकार संस्था अपने धर्म कार्य के लक्ष्य को जनहित तक पहुंचाने में सफलतापूर्वक योगदान प्रदान कर रही है। संस्था खेड़ापति सरकार भक्त मंडल के संचालक एवं पार्षद नितिन शानु शर्मा के कट्टर समर्थक श्री गौरव निगोस्कर द्वारा धर्म चेतना के हित में युवाओं के साथ धर्म की एकता को बांधकर एक सूत्र में धर्म कार्य का सफल आयोजन क्षेत्र की जनता को साथ में लेकर किया गया। जन्मदिन
मनाते हैं भाइयों, लेकिन प्रभु का नाम लेना एक अपने आप में बहुत वो रहता है, प्रभु का आशीर्वाद रहता है। कहीं ना कहीं हनुमान जी की बहुत कृपा है जो भाई उनने इस प्रकार के आयोजन कराते हैं। खेड़ापति हनुमान जी पे सुख निवास के अंदर हमेशा गौरव भैया ये आयोजन कराते थे। मैंने बहुत आग्रह करा कि इस बार भैया हम मंगलवार के दिन कार्यक्रम कराना चाहते हैं। आज सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा, सभी भाइयों को बुलाया है, यहाँ पर बाबा की भक्ति में सभी लीन है, बाबा का आशीर्वाद हम सबको मिले यही मेरी दुआ है। सुंदरकांड का है यानी धर्म की गंगा बह रही है, आपका जन्मदिन पे शुभकामनाएं भी दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं कि धर्म की गंगा बह रही है? बिल्कुल, अब तो धर्म की गंगा जब से मोदी जी आए धर्म की गंगा ही बह रही है। अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के माध्यम से कहीं ना कहीं हर जगह हम देखने को मिल रहा है हमारे को कि इस बार जो अब एक नए भारत का निर्माण जो मोदी जी के उसमें हुआ है, कहीं ना कहीं बताता है कि अब वास्तविकता में हिंदुत्व जागा है, धर्म की गंगा बह रही है। आप जो है विधानसभा चार में पार्षद है और इसको लखन दादा की अयोध्या कहा जाता है, क्या कहना चाहेंगे, पूरा अयोध्या जैसा माहौल? बिल्कुल, ये दादा की अयोध्या और अयोध्या के अंदर ही सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है, हनुमान जी की कृपा बरसती है। अयोध्या चूंकि राम जी की थी और लखन दादा यहाँ के हमारे हैं, उन्होंने को अयोध्या बनाया था, उस अयोध्या के अंदर अनेकों जगह सुंदरकांड में लगातार छठी जगह सुंदरकांड में आया हूँ। हमारी विधानसभा चार के अंदर लगातार इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। हमारे बड़े भैया शानू शर्मा जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर श्री खेड़ापति संस्था द्वारा भैया का जन्मोत्सव यानी सुंदरकांड के रूप में मनाया जा रहा है और ये वार्ड की हमारी जनता सभी साथ में है। भैया का यहाँ काम और भैया की रूपरेखा किसी से छुपी नहीं है। क्षेत्र क्रमांक चार अयोध्या नगरी में भैया के वार्ड क्रमांक 82 में सुंदरकांड का आयोजन रखा गया है। आज कौन सा मंडल यहाँ पे आया? ये रणजीत हनुमान मंडल द्वारा रखा गया है, सतीश शर्मा जी, पंडित सतीश शर्मा जी काकाश्री द्वारा सुंदरकांड का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अब बाबा के भक्त हजार, जय हो रंजीत सरकार, जय हो श्री खेड़ापति सरकार।